फ्रेंड्स, दिस इज प्रखर गुप्ता। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीजी फार्मा ज्ञान। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डोजेस फॉर्म्स के बारे में, जिसके पहले हमने डिस्कस किया था ड्रग डोज एंड डोजेस फॉर्म्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डोजेस फॉर्म के क्लासिफिकेशन के बारे में, मींस डोजेस फॉर्म्स के कितने टाइप्स होते हैं और उनको किन किन बेस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक देखिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि फार्मास्यूटिक सीरीज से रिलेटेड मेरी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डोजेस फॉर्म्स के बारे में कि डोजेस फॉर्म्स क्या होता है। आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि डोजेस फॉर्म्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं और उनके क्या क्या टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोजेस फॉर्म्स को मेनली हम दो कैटेगरी पे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला बेसिस है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे। दूसरा आधार है आपका फिजिकल फॉर्म्स। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? मीन्स वह माध्यम जिसके थ्रू आप ड्रग को आपकी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड कराते हैं, वो माध्यम क्या क्या हो सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट ट्रेडिशनल या सबसे ज़्यादा कॉमनली मोस्ट कॉमनली यूज जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं ओरल रूट, मीन्स बाय माउथ। मीन्स सभी ड्रग्स मेडिसिंस जिनको हम माउथ के द्वारा एडमिनिस्टर्ड कराते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो ओरल रूट होता है। इसके बाद आता है ऑप्थैल्मिक। एक चीज मैं आपको बोलूं, यहां से यहां तक जो ये चार रूट मैंने जो प्रोवाइड किए हैं लिखे हुए हैं, वो चार रूट आपके हेड पर अवेलेबल हैं। फर्स्ट माउथ, ऑब्वियसली हमारे हेड पर अवेलेबल है। ऑप्थेल्मिक मींस सभी डोजेस फॉर्म, सारी मेडिसिंस जिनको हम आईज के लिए पर्टिकुलरली यूज करते हैं वो ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म्स होते हैं। नेजल मीन्स हमारी नोज, नोस्ट्रल्स के लिए जो भी हम डोजेस फॉर्म्स यूज करते हैं वो सभी नेजल डोजेस फॉर्म्स हैं। ओटिक ईयर मीन्स हमारे कान में जो हम डोजेस फॉर्म्स को, ड्रग को, मेडिसिंस को यूज करते हैं वो सभी ओटिक प्रिपरेशंस होते हैं। इसके बाद आता है टॉपिकल, मीन्स द आउटर बॉडी सरफेस और स्किन, यू कैन से मीन्स ऐसे सारे डोजेस फॉर्म्स जिनको हम हमारी आउटर बॉडी सरफेस पे अप्लाई करते हैं या फिर स्किन जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन, जेल, सो मेनी डोजेस फॉर्म्स आर देयर। इसके बाद आता है पैरेंट्रल, मेनली इंजेक्टेबल्स। पैरेंट्रल्स क्या होते हैं? मेनली इंजेक्टेबल्स मीन्स पैरेंट्रल जो वर्ड है उस वो वर्ड मिला बनता है दो वर्ड से, पैरा और इंटरनल। पैरा मीन्स होता है अवे और इंटरनल मतलब आपका GIT ट्रैक के अवे। मीन्स ऐसे डोजेस फॉर्म्स जिनको हम GIT ट्रैक के अलावा किसी अदर वे में देते हैं, जो कि आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस नहीं करते हैं, डायरेक्टली वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में प्रोवाइड किए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं। तो मेनली जो इंजेक्टेबल्स हैं, ऑल टाइप ऑफ इंजेक्टेबल, जैसे कि IV, IM मीन्स इंट्रावीनस, इंट्रामस्क्यूलर, सबक्यूटेनस, ये सभी आपके पैरेंट्रल डोजेस फॉर्म्स के अंदर आते हैं। इसके बाद होते हैं वेजाइनल, जो कि हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स में अवेलेबल कुछ रूट्स हैं, वेजाइनल एंड रेक्टल। वेजाइना एंड रेक्टम के थ्रू कुछ डोजेस फॉर्म्स को दिए जाते हैं, जिनके टॉपिकल यूज भी होते हैं या फिर इनके कुछ इंटरनल यूज भी होते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये तो हुआ आपका एक टाइप जिसको हमने बोला बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अब जो सेकेंड टाइप है जिसको हम बोलेंगे बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म का मतलब होता है किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था, मतलब कि वो दिखता कैसा है, उसकी क्या स्टेट है, फिजिकल स्टेट है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि फिजिकल स्टेट तीन टाइप की होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एक और स्टेट जो होती है उसको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड क्या स्टेट होता है? ना तो वह सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है। मतलब कि सॉलिड कौन से पदार्थ होते हैं, कौन से सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर हार्डनेस होती है, कठोरता होती है, जिनको हम प्रेस करें तो वो अपना फॉर्म, अपना स्वरूप चेंज ना करें, वो होते हैं सॉलिड। ओके, और लिक्विड क्या होता है? जिनके अंदर फ्लोएबिलिटी होती है, जो ईजिली वहाव के साथ में बह सकते हैं। ओके, वो होते हैं लिक्विड्स। बट सेमी सॉलिड ना तो बह सकते हैं और ना ही इनके अंदर हार्डनेस होती है, मतलब यदि आप इनको प्रेस करेंगे, इनको प्रेशर देंगे तो ये अपना फॉर्म, अपना स्वरूप चेंज कर सकते हैं, बट इनके अंदर इजी फ्लोएबिलिटी नहीं होती है। तो वह स्टेट होती है सेमी सॉलिड स्टेट। और आपने
बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे कि क्रीम, पेस्ट, ऑइंटमेंट, ये सभी सेमी सॉलिड कैटेगरी के डोजेस फॉर्म्स हैं। सो फ्रेंड्स, फिजिकल फॉर्म्स के आधार पे हम डोजेस फॉर्म्स को मेनली चार कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, सॉलिड डोजेस फॉर्म्स, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स, लिक्विड डोजेस फॉर्म्स एंड गैसियस डोजेस फॉर्म्स। और एक और चीज, ये सभी मींस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे या फिजिकल फॉर्म के आधार पे, ये आपस में कोरिलेटेड है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, यदि सपोज मैं आपसे बोलता हूं कि ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म्स, मींस ऐसे सभी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स जिनको हम ओरली एडमिनिस्टर्ड करते हैं वो ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म्स हो जाएंगे। लाइक जैसे कि टैबलेट, कैप्स्यूल, पिल्स, ये सभी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स हैं और इन सभी को हम ओरली एडमिनिस्टर्ड करते हैं, तो ये आपस में कोरिलेटेड होते हैं। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे फिजिकल फॉर्म के आधार पे डोजेस फॉर्म्स का क्लासिफिकेशंस, की सॉलिड डोजेस फॉर्म्स के अंदर कौन कौन से डोजेस फॉर्म्स हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स, सेमी सॉलिड के अंदर कौन कौन से डोजेस फॉर्म्स होते हैं, लिक्विड के अंदर कौन कौन से डोजेस फॉर्म्स हैं और गैसियस के अंदर कौन कौन से हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल फॉर्म के आधार पे डोजेस फॉर्म्स का क्लासिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे डोजेस फॉर्म्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म्स। जैसा मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया कि हम इसको चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट इज सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म्स, सेमी सॉलिड एंड गैसियस। सॉलिड डोजेस फॉर्म्स के अंदर कौन कौन से फर्दर डिवाइडेशन हैं वो हम देखते हैं। यूनिट डोजेस फॉर्म, यहाँ पर मैं शॉर्ट में डोजेस फॉर्म को DF राइट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बल्क डोजेस फॉर्म्स। यूनिट डोजेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो एक यूनिट डोज मींस एक पर्टिकुलर अमाउंट क्वांटिटी ऑफ ड्रग को कैरी करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं, टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर्स, पिल्स, ये सभी कॉमनली मोस्ट ट्रेडिशनली यूज्ड डोजेस फॉर्म्स हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बाद आता है बल्क डोजेस फॉर्म, इसको भी फर्दर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मीनिंग होता है जिन्हें बॉडी के अंदर इंसर्ट कराना है, बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड कराना है, उन्हें हम बोलते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब कि आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। तो ऐसे कौन से सॉलिड डोजेस फॉर्म्स हैं जिनको हम इंटरनली यूज करते हैं और वो बल्क डोजेस फॉर्म है। बल्क डोजेस फॉर्म का मतलब होता है कि जिसका एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं है, लाइक पाउडर्स। मींस जब मैं आपको बोलता हूं कि सपोज यदि पाउडर आपको लेना है तो उसका एक पर्टिकुलर डोज आप नहीं ले सकते, आपको एक स्पून से मेजर करके लेना है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें सेम जो अमाउंट आपको ड्रग का लेना है वह उसमें कैरी होता है। सो इसलिए हमने उसको बल्क डोजेस फॉर्म बोला है, वो अप्रॉक्सीमेट डोज कॉन्सेंट्रेशन पे काम करता है। इंटरनल, इंटरनल के अंदर आते हैं फाइन पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स जैसे कि आपने देखे होंगे इनो वगैरह, वो इसके एग्जांपल्स हैं। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल मतलब डस्टिंग पाउडर। पहले कुछ जब कुछ वोंड्स, हील्स या कुछ इंजरीज हो जाती थी तब उसको हील करने के लिए, क्लॉटिंग करने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को रोकने के लिए डस्टिंग पाउडर्स को यूज़ किया जाता था ताकि इन्फेक्शन ना हो या ब्लड क्लॉटिंग जल्दी से हो जाए। इनसफ्लेशंस, इनसफ्लेशन का मतलब होता है जब किसी डस्टिंग पाउडर को बॉडी कैविटी के अंदर, बॉडी की कई सारी कैविटीज़ होती हैं जैसे ईयर कैविटी, नोज कैविटी, वेजाइनल, रेक्टल, इनके अंदर किसी एयर प्रेशर के थ्रू हम उसको ब्लो करते हैं, उसके अंदर उसको पहुंचाते हैं, वो होते हैं इनसफ्लेशन। मींस इस यह इनसफ्लेशन को यूज़ करने के लिए एक डिवाइस की ज़रूरत है जिसको हम बोलते हैं इनसफ्लेटर। डेंट्रीफाइसेस, डेंट्रीफाइसेस ऐसे डोजेस फॉर्म्स हैं जो कि हमारे डेंटल कैविटी के इन्फेक्शन या किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं डेंट्रीफाइसेस। स्नफ, स्नफ क्या होता है, स्नफ लाइक जब आपने एक चिलम देखा होगा, लाइक जिससे टबैको स्नफ किया जाता है, स्नफ इज दोस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जिन्हें हम स्पेशली टबैको प्रोडक्ट्स के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ईयर पाउडर मीन्स जिनको हम ईयर में, हमारे कान में यूज़ किया जाता है, कान के लिए यूज़ किया जाता है, वो होते हैं ईयर पाउडर्स। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म्स जिसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइस किया था, यूनिट डोजेस फॉर्म, बल्क डोजेस फॉर्म्स, और इसके हमने फर्दर क्लासिफिकेशंस देखे। अब नेक्स्ट जो हमारा फिजिकल फॉर्म के आधार पे क्लासिफिकेशन होता है वो होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म को भी हम फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, वाईफेसिक एंड मोनोफेसिक। वाईफेसिक का मतलब क्या होता है, जहां पर दो या दो से अधिक फेजेस यूज होते हैं किसी भी एक सॉल्यूशन को बनाने में, किसी भी एक लिक्विड को बनाने में।
जैसे कि इसके मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है वो है इमल्सन एंड सस्पेंशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोबेसिक। मोनोबेसिक जैसा कि नाम से ही हमको डिफाइन हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक ही फेज इन्वॉल्व है, यहाँ पर एक या एक से अधिक फेज इन्वॉल्व नहीं है। तो इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर आते हैं सिरप, एलिक्सर्स, लिंक्टर्स एंड ड्रॉप्स, और एक्सटर्नल के अंदर आते हैं लिनिमेंट्स, लोशन, गार्गल्स, माउथ वॉशेज, स्प्रे, आई लोशन, आई ड्रॉप्स एंड नेजल ड्रॉप्स। सो फ्रेंड्स, ये क्लासिफिकेशन था हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म का। अब हम मूव करते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की तरफ। सेमी सॉलिड, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो ना तो सॉलिड है और ना लिक्विड है, ऐसे कौन कौन से डोजेस फॉर्म्स होते हैं, इनको भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो कि बॉडी के अंदर इंसर्ट करना है या एडमिनिस्टर्ड करना है, एक्सटर्नल मतलब जिनको बॉडी के आउटसाइड हमको यूज करना है। सो इंटरनल में सपोजिटरीज, जो कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, जिनको मेनली रेक्टल एंड वेजाइनल कैविटी के अंदर इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, एंड पेसरीज। एक्सटर्नल जो इसके एग्जाम्पल है, ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट एंड जेलीज। क्रीम, पेस्ट, ये बहुत कॉमनली आप लोग जानते हैं, एंड ऑइंटमेंट्स। गैसियस, जो कि फोर्थ हमारा क्लासिफिकेशन है गैसियस, इसके दो फर्दर क्लासिफिकेशन, दो फर्दर टाइप्स हैं, इनहेलर्स एंड एरोसोल्स। इनहेलर्स आपने देखा होगा, विक्स इनहेलर्स आते हैं, ये सब गैसियस डोजेस फॉर्म्स हैं। सो फ्रेंड्स, इन सभी डोजेस फॉर्म्स के इस फ्लो चार्ट को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इन द नेक्स्ट वीडियो हम इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे कि किसके क्या एग्जांपल्स हैं और किसका क्या यूज होता है। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।